हेलो दोस्तों, आप लोग का यूएसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज ना आपका जो क्लास टेंथ स्टैंडर्ड टेंथ का अलजेब्रा का पेपर पैटर्न है 2023 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसको ला दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें हम लोग को कितना क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 क्वेश्चन हम लोग को आता है, जो कि हमारा अलजेब्रा का जो पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को ए और बी करके आता है, दो क्वेश्चन आता है, मतलब ए में आपको क्या दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। कितने दिए रहेंगे, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने मार्क्स के लिए रहेंगे दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए रहेंगे। कितने मार्क्स के लिए रहेंगे, 4 मार्क्स का। दोस्तों उसमें कुछ ऑप्शन नहीं देगा, 5 दिया 6 दिया आपको कितना करना, 4 दिया रहेगा चारों करना आपको, कैसा रहेगा ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से कुछ भी एक चुन के हम लोग को लिखना रहता है, इस हिसाब से हम लोग का रहता है। बट उसमें 4 दिया रहेगा, चारों को करना रहेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, उसमें हम लोग को सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है दोस्तों। 4 दिया रहेगा, वे भी हम लोग को एक एक मार्क्स का है, 4 मार्क्स के लिए रहेगा। मैं इसके लिए बता रहा हूं दोस्तों, ये 2023 का पेपर पैटर्न है अलजेब्रा का। तो क्वेश्चन फर्स्ट में एंड क्वेश्चन फर्स्ट के ए और बी में दोनों में हम लोग को ऑप्शन में नहीं देगा, मतलब जितना क्वेश्चन दिया रहेगा सब करना रहेगा, एक एक मार्क्स के लिए रहेगा, 4-4 मार्क्स का, 8 मार्क्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को ए में क्या दिया रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, हम लोग को एक्टिविटी दिया रहेगा उसको हम लोग को कंप्लीट करना रहेगा, एनी टू करना रहेगा दोस्तों। हम लोग को दिया कितना रहेगा, 3 दिया रहेगा एक्टिविटी, कोई भी हम लोग को कितना करना रहेगा, 2 करना रहेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, सॉल्व क्वेश्चन करना एनी 4, उसमें हम लोग को कितना दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सॉल्व करना रहेगा, जिसमें से कितना, 4, कितना मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है उसमें भी ए बी में करके 8-4 12 मार्क्स कंप्लीट होता है। फर्स्ट वाले में हम लोग का 8 मार्क्स, 12-8 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पूरा अटेम्प्ट करते हो अच्छे से तो आपका 20 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसमें भी ए बी करके आता है, तो ए में हम लोग का एक्टिविटीज आता है। अब एनी 1 करना रहता है, 2 दिया रहता है, मतलब हम लोग का 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन दिया रहता है, 2 दिया रहेगा उसमें से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 करोगे 3 मार्क्स मिलेगा, एक ही करना रहता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी में हम लोग को क्या बोला है, सॉल्व क्वेश्चन एनी कितना, 2, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग को कितना करना रहेगा, 2 क्वेश्चन करना रहेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 3 मार्क्स के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो जाता है, 9 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको बता दिया एक्टिविटी एंड सॉल्व क्वेश्चन हम लोग को सेकंड में एंड थर्ड में दोनों में पूछता है, बट हम लोग को जो सेकंड वाला होता है उसमें 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर जो थर्ड रहता है 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला है, सॉल्व करना है, कितना, 4 दिया रहेगा यानी 2 करना रहेगा, 8 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स, मतलब हमारा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 4 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 ही करना है। 4 दिया रहेगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, कोई भी 2 क्वेश्चन उसमें से आप कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5वां हम लोग का सॉल्व करना है, इसमें भी एनी 2 दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, एनी 1 करना हम लोग को, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 1 करना रहेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स, टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 40 मार्क्स। दोस्तों आपका अलजेब्रा का जो पेपर था, पेपर पैटर्न 2023 का, मैं क्लियर आपको बता दिया। अगर आपको ज्योमेट्री का चाहिए आप कमेंट करोगे, 100% ज्योमेट्री का भी पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। और सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, जो हम लोग का इसमें से 4-4 ये तो आपका पेपर पैटर्न होगा, बट अभी आप बोलोगे सर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े, आप पूरा बुक पढ़े 40 मार्क्स के लिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं 2023 का जो वेटेज है यूएसडी टेक चैनल पे अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। आप जाकर प्लेलिस्ट में एंड वीडियो में जाओगे, चैनल पे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको ये पूरा क्लियर होगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों, हम लोग को सब पढ़ना नहीं है, ज्यादा करके आपको 3 लेसन पे ही ध्यान देना है। फर्स्ट चैप्टर लीनियर जो हमारा क्वाड्रेटिक है, सेकंड चैप्टर एंड तीसरा वाला हमारा स्टैटिक्स, ये 3 लेसन हम लोग को पूरा अच्छे से करना, आपका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि तीनों लेसन हम लोग का 12-12 मार्क्स का है दोस्तों। इतना करोगे आपका बोलता हूं 100% बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि बाकी तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे, बट 3 लेसन ज्यादा करके सेकंड वाले लेसन में हम लोग को दोस्तों एंड फर्स्ट वाले लेसन से हमारा जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन है 1 मार्क्स से ज्यादा करके फर्स्ट सेकंड से ही बनने वाले हैं। तो इसके लिए बता रहे दोस्तों कि आपको पूरा जो अभी वेटेज दिया उसको देखना एंड ये पेपर पैटर्न को ध्यान में रख के अपना क्लास 10th की तैयारी करना है। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा रहेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए।